आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। रीवा में कोरोना की दूसरी लहर अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। रविवार को बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष एक दिन में संक्रमित केसों के मिलने का रिकॉर्ड टूट गया है। आपको बता दें कि रविवार को रीवा में बीते दिनों की अपेक्षा 2 गुना से ज्यादा यानी 42 नए पॉजिटिव केस मिले, जिनमें एक बार फिर मेडिकल कॉलेज के 3 छात्र भी संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि मेडिकल छात्रों में 2 UG और 1 PG छात्र शामिल हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक 6-7 छात्र संक्रमित हो चुके हैं। दरअसल रविवार को आई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 646 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें 42 नए संक्रमित केस मिले। इनमें शहर में अकेले 30 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, तो वहीं सिरमौर और मऊगंज में 4-4 नए केस मिले हैं। इसी तरह से हनुमना में 2 और गोविंदगढ़ व रायपुर करचुलियान में 1-1 केस मिले। बता दें कि रविवार को आई जांच रिपोर्ट के बाद जिले में कुल एक्टिव केसों की संख्या अब 200 के पार पहुंच गई है, तो वहीं जिले में अब तक कुल 4,565 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 36 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर जिला प्रशासन ने विभागीय अधिकारियों से मंथन करना शुरू कर दिया है और संभावना जताई जा रही है कि आज देर शाम तक होने वाली बैठक में कोई बड़ा और अहम फैसला भी लिया जा सकता है। फिलहाल प्रशासन की ओर से हम आमजन से ही अपील करते हैं कि सावधानी ही सुरक्षा है, इसलिए खुद की सुरक्षा के लिए मास्क पहने और 2 गज की दूरी बनाएं।